चलिए तो अब हम लोग स्टेशन नंबर 5 में आ गए। ये रहा हमलोग के पास स्टेशन नंबर 5। इसमें क्या दे रखा हुआ है? अ फायर डिस्ट्रॉयड सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। यू हैव बीन एबल टू कलेक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम द स्पॉइल्ड पेपर्स एंड रिकॉर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंसल्टेशन विद द अकाउंटिंग स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो हम लोग के पास यहाँ पर दे रखा हुआ है कि जो भी था फायर के वजह से यहाँ पे अकाउंटिंग का रिकॉर्ड सारा जल गया था। अब हम लोग के पास कुछ पेपर है, कुछ रिकॉर्ड है, जो कंसल्टेशन करके, जो अकाउंटेंट है उससे कंसल्टेशन करके हम लोग के पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पता है और उससे हम लोग को यहाँ पे अकाउंट बनानी है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम लोग के पास इनकम्प्लीट लेजर दे रखा है, जिसमें मटेरियल का बैलेंस बीजी दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। फिर हम लोग के पास डब्ल्यू आई बी का दे रखा हुआ है कि कितना यहाँ पे फिनिश गुड्स में ट्रांसफर है, कितना यहाँ पे बैलेंस बीडी है। फिर हम लोग के पास क्रेडिटर का दे रखा हुआ है, बैलेंस बीडी दे रखा, सीडी दे रखा हुआ है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का हम लोग के पास कितना पेमेंट हो रखा है वो हम लोग के पास गिवन है। फिर फिनिश गुड्स में हम लोग के पास यहाँ दे रखा हुआ है, जिसमें बीडी और सीडी दे रखा हुआ है। फिर हम लोग के पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और इसमें क्या बोला कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एबव अकाउंट्स इन द कॉस्ट लेजर ऑफ द कंपनी। तो हम लोग के पास जो कॉस्ट लेजर है, जो भी हम लोग कंपनी का जो कॉस्ट अकाउंट बनाएंगे उसमें हम लोग को यहाँ पे कंप्लीट करना है ये सब, जो जितना भी अकाउंट दे रखा होता है सारे सारे अकाउंट को कंप्लीट करना है। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग के पास क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर पे द बैंक बुक शोज दैट 89,200 हैज बीन पेड टू पेड टू क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल के बदले कितना पेमेंट हुआ, तो 89,200 का, तो हम लोग इसे एडजस्ट करेंगे। फिर जो सेकेंड नंबर पर बोला कि एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ डब्ल्यू आई पी इंक्लूड मटेरियल ऑफ 5,000 ऑन विच 3,300 डायरेक्ट आवर्स डायरेक्ट लेबर आवर हैव बिन बुक्ड अगेंस्ट द वेजेस एंड द ओवरहेड। तो यहाँ पे 300, देखिए जो हम लोग के पास यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा हुआ है ना, डब्ल्यू आई पी का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हुआ है क्या, नहीं दे रखा हुआ। देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के पास डब्ल्यू आई पी का होगा, जो हम लोग के पास यहाँ पर डब्ल्यू आई पी का स्टॉक होगा, इस डब्ल्यू आई पी के स्टॉक में हम लोग क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग के पास जो आता है वो क्या आता है, मटेरियल का स्टॉक आता है। दूसरा हम लोग के पास क्या आ जाता है, तो यहाँ पे वेजेस का आता है। तीसरा जो हम लोग के पास आता है वो क्या आता था, प्रोडक्शन का आता था, मतलब जो प्रोडक्शन ओवरहेड था उसका। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड का हम लोग के पास आता था। तो मटेरियल का हम लोग के पास 5,000 रुपीज़ का दे रखा हुआ है, कितने का दे रखा है, 5,000 का मटेरियल का हम लोग के पास गिवन है। और जो वेजेस है इसमें काम किया गया 300 आवर, और जो प्रोडक्शन ओवरहेड है इसमें हम लोग के पास 300 आवर का काम किया गया है। और इसमें जो भी रेट होगा उस रेट से हम अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास यहाँ पे डब्ल्यू आई पी का स्टॉक आ जाएगा ना क्लोजिंग का। तो यही चीज़ हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है, डब्ल्यू आई पी के स्टॉक में मटेरियल हम लोग के पास पूरी फुल्ली अमाउंट दे रखा हुआ था, और वेजेस और जो हम लोग के पास ओवर हेड होता उस दोनों के रिस्पेक्ट में हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ आवर दे रखा हुआ, उसका कितना रेट चार्ज होगा वो हम लोग के पास सम्स में यहाँ पे गिवन नहीं है। अब देखिए थर्ड नंबर पे क्या बोला, द जॉब कार्ड शोज दैट द वर्कर हैव बीन वर्क फॉर 7,000 आवर। तो यहाँ पे 7,000 यहाँ पे आवर वर्क का वर्कर जो है काम कर रहा है, और इसका वेजेस जो रेट है वो कितना दे रखा है, 10 पर आवर के हिसाब से। तो अभी हम लोग के पास वेजेस का रेट पता चल गया जो कितना है, 10 पर आवर। तो हम लोग इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 पर आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ओवरहेड का जो रिकवरी रेट हम लोग के पास गिवन है वो कितना, तो ₹4 पर आवर के हिसाब से। तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ओवरहेड का रिकवरी रेट है उसमें 4 से, तो हम लोग के पास डब्ल्यू आई पी का स्टॉक तो आ जाएगा ना। तो ये सब चीज़ हम लोग के पास सबसे गिवन है और इससे हम लोग को यहाँ पे अकाउंट कंप्लीट करना है। तो चलिए कॉपी में आ जाते हैं हम लोग, एक एक पहले अकाउंट बना लेते हैं जो जो दे रखा हुआ उसका, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो आ जाइए कॉपी में आप लोग, ये हम लोग के पास स्टेशन नंबर 5 का। इसमें सबसे पहले जो हम लोग के पास अकाउंट गिवन है वो है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे चल लेते हैं मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, इसमें दे रखा हुआ टू बैलेंस बीडी। तो यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, जो कितने का दे रखा हुआ है, 32,000। तो यहाँ पर लिख दीजिए 32,000 का। फिर डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट, तो यहाँ पर बनाते हैं डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट, इसमें भी हम लोग के पास टू बैलेंस बीडी दे रखा है। तो यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, जो कितने का दे रखा है उनके पास, 9,200 का। तो यहाँ पे लिख देंगे 9,200 का, और इसमें से कितना फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पे फिनिश गुड्स कंट्रोल में जो ट्रांसफर हो रहा है वो हम लोग के पास क्या दे रखा है, 151,000 का। तो यहाँ पे लिख देंगे 151,000 का। फिर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, जिसमें हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस इसका कितना दे रखा हुआ है, तो फिनिश गुड्स का दे रखा हुआ था क्या, हाँ दे रखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा हुआ 24,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, जो कितने का दे रखा है, 24,000 का। फिर जो हम लोग के पास क्लोजिंग बैलेंस है वो दे रखा है 30,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, जो दे रखा है उनके पास कितने का, 30,000 का। तो ये हो गया फिनिश गुड्स का। और उससे पहले हम लोग के पास दे रखा हुआ था पेबल का एक, मतलब क्रेडिटर का अकाउंट दे रखा था। यहाँ पे चलिए बना देते हैं क्रेडिटर अकाउंट, ये रहा हम लोग के पास क्रेडिटर अकाउंट, जिसमें हम लोग के पास क्या बोला कि इसका बीडी प्लस में सीडी दे रखा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो क्रेडिटर का है जो कितना दे रखा, तो ये हम लोग के पास है
400 का, और जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा है सीडी जो 9200 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 9200 जिसमें टू बैलेंस सीडी का, ठीक है। तो ये हो गया क्रेडिटर का। अब क्रेडिटर के बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का हम लोग के पास दे रखा है, तो चलिए हम लोग एक और भी अकाउंट बना लेते हैं जो हम लोग के पास आ जाएगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, या हम लोग के पास प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। यहाँ प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल लिखे या MFGR कंट्रोल अकाउंट लिखे, तो ये हम लोग के पास दोनों ही सेम ही एक ही बात हुआ, जिसमें देखा हुआ कितना स्पेंड किया गया, मतलब कितने का पेमेंट किया गया। तो यहाँ पर टू बैंक जो है 29600, तो यहाँ पर लिख देंगे 29600। तो ये हम लोग जितना भी अकाउंट देखा हुआ था वो सारा का सारा अकाउंट को लिख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर पे हम लोग क्या क्या बोला कि यहाँ पे 89200 का पेमेंट हुआ किसको, क्रेडिटर को पेमेंट हुआ। तो हम लोग इसका यहाँ पे करेंगे एंट्री करेंगे, तो जब क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो टू बैंक अकाउंट मतलब हम लोग के पास बैंक से पैसा चला गया और क्रेडिटर हम लोग के पास कम हो गया कितने का, तो ये हम लोग के पास है 89200 का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 89200। तो इसमें समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। फिर हम लोग के पास क्या बोला कि जो WIP का स्टॉक होगा उसमें 5000 मेटेरियल के बदले होगा, और जो डायरेक्ट लेबर आवर है वो हम लोग के पास वेजेस प्लस में ओवरहेड दोनों का दे रखा है कितना, 300 आवर के रेट से दे रखा है 300 आवर। तो हम लोग तो इसका क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं WIP का, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, इसमें मटेरियल के बदले कितना आ जाएगा, तो मटेरियल के बदले हम लोग के पास आ जाएगा 5000 का। फिर जो लेबर है जो हम लोग के पास वर्कर है उसके बदले कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 300 आवर काम किया है, और जो हम लोग के पास वेजेस का रेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो वेजेस का रेट हम लोग के पास यहाँ पे 10 पर लेबर आवर के हिसाब से दे रखा होता है, इंटू हम लोग क्या कर देंगे 10 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 3000 का वर्कर। जो देखिए ये हम लोग के पास मटेरियल हो गया, ये हम लोग के पास वेजेस हो गया, और हम लोग के पास जो ओवरहेड होगा वो ओवरहेड कितने का हो जाएगा, तो ओवरहेड में यहाँ पे 3000 आवर दे रखा हुआ है, 3300 आवर, और जो ओवरहेड का रिकवरी रेट है वो कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 4, तो हम लोग लिख देंगे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम लोग इसे क्या करेंगे, सिंपली क्लोज कर देंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा 3400 1200, तो 1200 हम लोग के पास यहाँ पे ओवरहेड का आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ चुका है। फिर जो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग के पास क्या बोला कि जॉब कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि 7000 आवर यहाँ पे काम किया गया है, 7000 आवर यहाँ पे काम किया गया, और जो वेजेस का रेट है वो 10 पर आवर के हिसाब से दे रखा हुआ था, ठीक है। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट हम लोग बनाया है, तो देखिए देखते हैं, नहीं बनाया ना, तो देखिए वेजेस कंट्रोल अकाउंट हम लोग नहीं बनाया है, और WIP में हम लोग के पास यहाँ पे वेजेस भी कंसिडर करना होता है, मटेरियल को भी कंसिडर करना होता है, और प्लस में ओवरहेड को भी हम लोग को कंसिडर करना होता है। तो हम लोग के पास वेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन तो दे रखा हुआ ना, तो वेजेस हम लोग लिख देंगे, और वेजेस में कितना हो जाएगा, देखिए 7000 आवर काम किया है, और एक आवर के जो लिए जो पेमेंट है वो कितना, 10 रुपीज करके, ये दे रखा हुआ है ना, 7 आवर काम किया वेजेस, 7000 आवर काम किया, और 1 आवर के लिए यहाँ पे जो पेमेंट का रेट है वो 10 के हिसाब से दे रखा हुआ है, तो 70000 हम लोग के पास वेजेस के फॉर्म में आ जाएगा ना। फिर ओवरहेड का भी हम लोग के पास रिकवरी रेट देखा हुआ, तो यहाँ पे ओवरहेड आ जाएगा जिसमें 7000 आवर काम किया है, और जो ओवरहेड का रिकवरी रेट हम लोग के पास दे रखा हुआ है वो कितने का, तो यहाँ पे 4 का, तो इंटू हम लोग क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 28000 का। और जो ओवरहेड है मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे जो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट हम लोग बनाए थे, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा बाय WIP कंट्रोल अकाउंट, जो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 28000। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं 28000 का ये हम लोग के पास आ चुका है। तो इस यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को ना, और तो कुछ नहीं दे रखा है समझ में, तो हम लोग के पास बस इतना इन्फॉर्मेशन है, इससे सिंपली हम लोग को क्या करना है, तो अकाउंट को क्लोज करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए जो फिनिश कुछ में ट्रांसफर हुआ था हम लोग के पास, जो फिनिश कुछ में ट्रांसफर हुआ था कितना 151 का, तो इसका डबल एंट्री तो नहीं किया हुआ ना, तो हम लोग लिख देंगे टू WIP कंट्रोल अकाउंट जिसमें कितना से ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पे 151000 से हम लोग के पास यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हम लोग के पास हो गया। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक एक अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्लोज करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग क्लोज करते हैं एक अकाउंट को, तो ये हम लोग के पास रहा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, तो इसी से क्लोज करते हैं, तो ये आ जाएगा 29600, यहाँ भी लिखेंगे हम लोग 29600, और यहाँ पे 1600 का हम लोग के पास डिफरेंस हो रहा है, ये क्या हो जाएगा अंडर एब्जॉर्ब या अंडर रिकवरी हम लोग इसे बोल सकते हैं 1600 से। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बाई लिखते हैं, तो यहाँ पे बाई कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम लोग के पास किस चीज़ का आ गया, तो यहाँ पे आ गया हम लोग के पास बैलेंसिंग फिगर करके। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है क्रेडिटर का, तो क्रेडिटर का यहाँ पे पेमेंट हम लोग के पास है BDCD मालूम है, तो इससे पता चल जाएगा ना कि कितना यहाँ पे हम लोग परचेज किए हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय परचेज लिखेंगे, तो परचेज इस केस में कितना किए होंगे, तो यहाँ पे 89200 प्लस कर देंगे यहाँ पे 19200, तो जो हम लोग के पास आ गया ये आ गया टोटल में 108400, तो यहाँ पे लिखेंगे 108400, इसमें से अगर माइनस कर देंगे 16400 जो ओपनिंग बैलेंस था, तो हम लोग को पता चल गया कि 92000 का हम लोग क्या किए होंगे परचेज किए होंगे। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं परचेज क्यों किया मतलब मटेरियल को, तो यहाँ पे टू जो हम लोग के पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्रेडिटर
जिसमें हम लोग कितना का परचेज किए होंगे, 92,000 का, तो हम लोग के पास मेटल कंट्रोल अकाउंट का भी हो गया, और इससे हम लोग का प्रोडक्शन वर्ड कंट्रोल अकाउंट, और उसके बाद जो था हम लोग के पास क्रेडिटर अकाउंट, ये भी हम लोग के पास कंप्लीट हो गया। और बाकी हम लोग अकाउंट को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे WIP वाले पार्ट में। तो WIP में हम लोग के पास क्या क्या दे रखा हो, तो हम लोग के पास फिनिश गुड्स में कितना ट्रांसफर हो वो दे रखा हो, प्लस में हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो, तो इसे टोटल करते थे यहाँ पे 151,000 प्लस यहाँ पे 5,000 प्लस यहाँ पे करेंगे 3,000 प्लस करेंगे यहाँ पे 1,200, तो हम लोग के पास जो टोटल आ गया ये आ गया 160 एंड 200। तो यहाँ पे चले लिखते हैं 160 एंड 200, यहाँ पे लिखेंगे 160 एंड 200। अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे 9,200, फिर माइनस करेंगे 70,000, फिर माइनस करेंगे यहाँ पे 28,000, तो हम लोग के पास कितना का बैलेंस हो बचा, तो 53,000 का। तो यहाँ पे 53,000 का, जो देखिए जब मटेरियल का यहाँ पे WIP का बात हो रहा है, तो WIP में मटेरियल होना चाहिए, तो मटेरियल तो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन नहीं था, वेजेस ओवरहेड तो हम लोग निकाल चुके थे, तो मटेरियल यहाँ पे लिखना चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे हम लोग मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, यहाँ पे मटेरियल कंट्रोल जो 53,000 से, तो इसका डबल इफेक्ट दे देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय WIP कंट्रोल अकाउंट, जिसमें हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 53,000 का। अब हम लोग सिंपली फिनिश गुड्स का अकाउंट को भी हम लोग क्लोज कर सकते हैं, तो यहाँ पे चलिए क्लोज करते हैं, तो ये आ गया हम लोग के पास 151,000 प्लस यहाँ पे 24,000, तो हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया, तो वहाँ पे 175,000 का आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 175,000। फिर जो हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा फिनिश गुड्स से जो ट्रांसफर करते हैं, हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल में, तो हम लोग ले देंगे कॉस्ट ऑफ सेल जो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर करके, जो कितना आ जाएगा, तो इसमें से अगर 30,000 माइनस करें तो हम लोग के पास आ गया 145,000 का। तो ये हम लोग ले दिए फिनिश गुड्स से कितना कॉस्ट ऑफ सेल में गया, और सिंपली अब हम लोग लास्ट वाला अकाउंट क्लोज कर देंगे, जो हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, तो इसे चलिए सिंपली क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये है 32,000 का ओपनिंग बैलेंस था, 92,000 का परचेज हुआ, तो हम लोग के पास आ गया 124,000 का। अब इस 124,000 में से 53,000 ट्रांसफर हो गया WIP में, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचाएगा, तो ये बच जाएगा 71,000 का बाय बैलेंस CD। और इसी के साथ हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसमें आप लोग को ध्यान में क्या रखना है कि जब आप लोग WIP बनाओगे ना, जब क्या बनाओगे WIP कंट्रोल अकाउंट बनाओगे ना, तो इसमें आप लोग को वेजेस लिखना ही होगा, फिर प्रोडक्शन वर्ड कंट्रोल होगा वो चीज़ लिखना ही होगा, और प्लस में जो हम लोग के पास मटेरियल था वो आप लोग को लिखना ही होगा, ये फाइनल करना होता था। तो वेजेस के लिए हम लोग के पास दे रखा था 7,000 आवर, और इसका रिकवरी रेट दे रखा था, फिर प्रोडक्शन वर्ड का हम लोग के पास आवर जो था, वेजेस का आवर प्रोडक्शन का दोनों का सेम हो जाएगा ना, इंटू 4 कर दिए। और जो स्टॉक था जो क्लोजिंग स्टॉक, उसमें मटेरियल को भी लेना है, वेजेस को भी लेना है, प्लस में ओवरहेड को, तीनों को हम लोग को स्टॉक को यहाँ पे लेना था, और आवर हम लोग के पास गिवन था, इसका रिकवरी रेट दे रखा हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिए थे, और बाकी जो था उसे हम लोग ट्रांसफर करके ये कंप्लीट कर रहे हैं। इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया।